हेलो स्टूडेंट्स आई एम मोनिका योर मैथ्स टीचर वेलकम टू माय मैथ्स क्लास लेट अस कंटिन्यू चैप्टर वन द फिश टेल पेज नंबर इलेवन सो दिस इज़ एनसीईआरटी पेज नंबर इलेवन प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन नंबर वन एट व्हाट प्राइस पर के जी डी फ़ीला सेल द किंग फिश क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि फिज़ीला जो है वो कौन से प्राइज़ पर पर के पर किंग फिश जो है वो सेल कर रही है बेच रही है मीन्स कि आपने किंग फिश की वन के की जो कॉस्ट आपने निकालनी है जबकि आपको टोटल कॉस्ट जो है वो दी गई है सो द सोल्यूशन द टोटल प्राइस ऑफ एट के जी किंग फिश दैट इज इक्वल टू रुपीज टंडर्ड इट इज गिवन नाउ यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ वन के जी ऑफ फिश एज यू नो दैट वेन यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन देन यू विल डिवाइड सो डिवाइड बाई एट एंड वी गेट वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्लोरमा हैज़ सोल्ड टेन के जी ऑफ प्रांस टूडे फ्लोरन ने जो है वो टेन के जी प्रांस जो है वो आज बेचे हाउ मच मनी डिट ही गेट फॉर दैट तो उसने टोटल कितना अमाउंट जो पीस कितने उसने लिए सो द प्राइज ऑफ वन के जी ऑफ प्रान वन के जी का प्रान का कॉस्ट कितनी है प्राइज दिया हुआ रुपीज वन हंड्रड फिफ्टी द प्राइज ऑफ टेन के जी ऑफ प्लान सो रुपीज़ वन हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय टेन दैट इज इक्वल टू रुपीज़ फिफ्टीन हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ग्रेसी सोल्ड सिक्स के जी स्वर्ड फिश ग्रेसी जो है वो सिक्स के जी स्व फिश जो है वो बेच रही है मिनी हैज एज मच मनी एज ग्रेसी तो मिनी जो है वो भी उतना ही मनी कमा रही है जितना कि ग्रेसी हाउ मैनी के जी ऑफ साडिनेस डीट मिनी सेल तो मिनी जो है वो कितने के जी फिश जो है वो बेच रही है क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ग्रेसी भी सेम मनी कमा रही है जितना मिनी दोनों ही सेम सेम मनी कमा रहे हैं तो आपने सार्डिनेस फिश बतानी है कि मनी ने वो कितनी बेची सो so, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ग्रेसी का अमाउंट निकालेंगे कि उसने टोटल कितना मनी जो है वो अर्न किया सो द प्राइज ऑफ वन के जी स्वोड फिश दैट इज़ इक्वल टू रुपीज़ सिक्सटी वन के जी का आपके पास गिवन है नाउ ग्रेसी अर्न ऑन सेलिंग सिक्स के जी फिश तो ग्रेसी ने सिक्स के जी जो है वो स्वर्ड फिश बेची है मीन्स सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय सिक्स दैट इज इक्वल टू रुपीज थ्री हंड्रेड सिक्सटी इट मीन्स कि ग्रेसी अर्न रुपीज थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाउ द कॉस्ट ऑफ वन के जी साडिनेस फिश दैट इज इक्वल टू रुपीज फोर्टी यानी कि वन के जी साडिनेस फिश की कॉस्ट कितनी है रुपीज़ फोर्टी है नाउ यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ साडिनेश फिश सोल्ड बाय मिनी हियर द वेट ऑफ साडिनेश फिश सोल्ड बाई मिनी टू ऑन सेम एजेसी दैट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिवाइड बाई फोर्टी वेन वी डिवाइड थ्री हंड्रेड सिक्सटी बाई फोर्टी देन वी गेट नाइन के जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर बशीर हैज रुपीज हंड्रेड बशीर के पास हंड्रेड रुपीज़ है ही स्पेंड्स वन फोर्थ ऑफ द मनी ऑन स्क्वेड वो वन फोर्थ जो है वो स्क्वेड के ऊपर खर्च कर दे रहा है एंड अनदर थ्री फोर्थ ऑन प्रांस और बाकी का जो थ्री फोर्थ है वो प्रांस के ऊपर जो है वो स्पेंड कर दे रहा है नाउ देयर आर क्वेश्चन इन ए हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वेट डिड ही बाय तो इसमें बताना है कि उसने कितने किलोग्राम जो है वो स्क्वेट खरीदे इन बी हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रांस डिड ही बाय इस क्वेश्चन में आपने निकालना है कि कितने किलोग्राम जो है वो प्रांस उसने खरीदे सो एज़ यू नो दैट बशीर हैज़ मनी बशीर के पास कितना मनी है दैट इज़ इक्वल टू हंडर्ड वन फोर्थ ऑफ द मनी विच इज़ इक्वल टू वन फोर्थ हंडर्ड डिवाइड बाय फोर इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी फाइव एंड द रिमेनिंग थ्री फोर्थ ऑफ द मनी अब आप वन फोर्थ आपका ट्वेंटी फाइव आ गया मीन्स कि आपका थ्री फोर्थ आपका मनी क्या जाएगा हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव विच इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव रुपीज नाउ इन ए पार्ट हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वेयर डिड ही बाय अब आपने निकालना है कि कितने किलोग्राम उसने स्क्वेयर जो है वो खरीदी सो बशीर बॉट स्क्वेयर फॉर रुपीज ट्वेंटी फाइव एज यू नो दैट द कॉस्ट ऑफ वन के जी वन के जी स्क्ट की कॉस्ट कितनी है रुपीज़ फिफ्टी सो रुपीज़ फिफ्टी गिव्स वन के जी ऑफ स्क्वेड यानि कि वन के जी के ऊपर उसको कितने रुपीज़ मिल रही हैं फिफ्टी रुपीज़ इन वन रुपीज़ गिव्स और वन रुपीज़ में उसको कितने मिलेंगे वन बाई फिफ्टी के जी ऑफ स्क्वैट सो रुपीज़ ट्वेंटी फाइव गिव्स जब वो ट्वेंटी फाइव रुपीज़ देगा तो कितने उसको मिलेंगे वन बाय फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू के जी ऑफ स्क्वेयर ना इन बी पार्ट हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्राण डिड ही बाई उसने कितने किलोग्राम जो है वो प्रांस खरीदे सो ही बॉट प्राण्स फॉर रुपीज़ सेवेंटी फाइव उसने सेवनटी फाइव रुपीज़ में प्राण खरीदे क्योंकि पीछे आपने क्वेश्चन में निकाला था कि थ्री बाई फोर्थ आपने निकाला था विच इज़ इक्वल टू फाइव रुपीज़ सो द कॉस्ट ऑफ वन के जी ऑफ प्रान वन के जी प्रान की कॉस्ट कितनी है रुपीज़ वन हंड्रेड फिफ्टी दस रुपीज़ वन हंड्रेड फिफ्टी गिफ्स वन के जी ऑफ प्रांस मीन्स कि आपका वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ में आपको वन के जी प्रांस मिल रहा है इन वन रुपीज़ एज यू नो दैट वेन यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन जब आप वन की कॉस्ट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं डिवाइड सो वन डिवाइड बाई वन फिफ्टी के जी ऑफ प्रांस नाउ यू हैव टू फाइंड इन रुपीज सेवेंटी फाइव गिवस विच इज इक्वल टू अब आपने सेवनटी फाइव की रुपीज़ की निकालनी है मीन्स की आपने ज़्यादा की निकालनी है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई सो वन डिवाइड बाई वन हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी फाइव विच इज इक्वल टू वन बाई टू के जी ऑफ प्रांस सो दिस इज कम्प्लीट योर पेस इलेवन थैंक यू